ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इस्तीफा दिया है। विधानसभा की सदस्यता से कटारिया ने इस्तीफा दिया है। असम का राज्यपाल बनाए जाने पर कटारिया ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। आज गुलाब चंद कटारिया का विधानसभा में रहा विधायक के तौर पर अंतिम दिन। और ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि अब तो महज औपचारिकता है, वो प्रक्रिया पूरी की गई है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर गुलाबचंद कटारिया का कार्यकाल बेहद बेहतरीन रहा, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, आज उनका अंतिम दिन था। जैसे ही आज विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हुई, उसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा विधानसभा सचिव के पास भेजा। विधानसभा सचिव के बाद विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचा है और कुछ ही देर में वो इस्तीफा है वो स्वीकार हो जाएगा। और क्योंकि आज उनका आखिरी दिन था और अब वह आसाम के राज्यपाल हैं और उन्होंने अपने इस्तीफे में वही चार लाइन लिखी है कि मुझे असम का राज्यपाल मनोनीत किया गया है, इसी के मद्देनजर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और अभी कुछ देर बाद नेता प्रतिपक्ष कटारिया के सम्मान में एक भोज का आयोजन है और उनका एक सम्मान समारोह भी किया जाएगा। छोटा सा एक सम्मान समारोह है जिसमें विधानसभा के तमाम जो विधायक हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। ये आज का दिन बेहद खास भी है क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत ने भी नेता प्रतिपक्ष कटारिया की सराहना की और उनके अलावा आज कमोबेश तमाम जो विधायक थे वो नेता प्रतिपक्ष कटारिया से मिलकर उन्होंने अपनी पुराने यादें भी ताजा की। और कुछ देर बाद वो यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि उनका संबोधन भी सुना है कार्यक्रम में। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कुछ इस्तीफे अच्छे होते हैं।